वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल के लिए नए आए तो इस लाल रंग का बटन पर क्लिक करके जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटा है इसे भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले मिल जाए। हेलो दोस्तों, एयर मल्टी बेयरिंग चैनल पर आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो शायद मेरा वीडियो का थंबनेल या तो टाइटल देख के पता चल गया होगा। दोस्तों, आज मेरा पास जो फोन है वो सैमसंग J2 फोन है। इसका मॉडल देख लीजिए, सैमसंग J200G इसका मॉडल है, J2 फोन है। तो दोस्तों, इस फोन को दोस्तों पूरे बोर्ड शॉर्ट बता रहा है। तो इस तरह बोर्ड शॉर्ट होने से किस तरह ये बोर्ड को रिपेयर करना है दोस्तों, पूरे बोर्ड शॉर्ट बता रहा है, किस तरह बता रहा है वो भी देख लीजिए। सबसे पहला मैं फोन को कनेक्ट करके एक बार देखा रहा हूँ फोन किस तरह शॉर्ट बता रहा है। ये देख लीजिए, मैं पिंग को लगा दिया और ये है वायर और मेरा जो पावर सप्लायर है वो देख लीजिए, पूरे शॉर्ट बता रहा है। ये देख लीजिए, पूरे शॉर्ट बता रहा है, देख लीजिए 0000 शॉर्ट बता रहा है दोस्तों। और भी मैं फिर से और एक बार चेक करके देखा रहा हूँ, शॉर्ट बता रहा है, दोस्तों इस शॉर्ट को बहुत आसानी से बना सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा दोस्तों। बहुत आसानी से मैं जो जो जिस तरह काम करने जा रहा हूँ, जो जो ट्रिक बताना जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत आसानी से इस फोन को रिपेयर कर सकते हो और बोर्ड का जो शॉर्ट का प्रॉब्लम है वो बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार लगा के देखा रहा हूँ, मेरा जो पावर सप्लाई है वो देख लीजिए, अभी पॉइंट बता रहा है और मैं इसको लगा रहा हूँ, क्या दिखाई दे रहा है देख लीजिए, शॉर्ट बताई दे रहा है, ये देख लीजिए मैं लगाया और पावर सप्लायर को देख लीजिए, शॉर्ट बता रहा है। तो दोस्तों, मैं फोन को पहले से चेक कर लिया, जो प्रॉब्लम था चेक करके इस मोबाइल का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है पहले से निकाल लिया। तो फिर भी सब लोग को देखा रहा हूँ मैं इस तरह शॉर्ट होने से किस तरह चेक करना है, किस तरह इसको काम करना है। सबसे पहले ये रेड वाला जो पॉइंट है इसका ऊपर ये पॉइंट रख दीजिए और एक एक करके सब चेक कर लीजिए। इस इमेज को पहले फॉलो कर लीजिए, इस तरह इमेज को जो जो कैपेसिटर है सब एक बार रिमूव करके या तो चेक करके देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और ना ये मैं जिस तरह चेक कर रहा हूँ इस तरह चेक करते रहिए, जहाँ शॉर्ट होगा बताई देगा, ये सब तो ठीक लग रहा है। मैं जो इमेज दिया है इस तरह इमेज को देख लीजिए पहला, उसके बाद काम करते रहिए, और ना मैं जिस तरह कर रहा हूँ जो जो काम इस तरह करते रहिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, इस मॉडल पर बहुत शॉर्ट आता है दोस्तों, क्योंकि ये पहले जो J2 फोन आया था बहुत अच्छा था आया था, बाद में जो आया इस तरह शॉर्ट का प्रॉब्लम ज़्यादातर हुआ। तो दोस्तों, मैंने जो ये प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है वो भी देख लीजिए, बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला देख लीजिए दोस्तों, मैं जो स्क्रीनशॉट दिया है वो देख लीजिए, वो फॉलो कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो दो डायोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो दो डायोड दिखाई दे रहा है
छोटा छोटा जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये दोनों कैपेसिटर एक बार रिमूव कर लीजिए। सबसे पहला ये दोनों कैपेसिटर एक बार रिमूव करके देख लीजिए। दोस्तों मैं ये दोनों कैपेसिटर को रिमूव करके दिखा रहा हूँ। और दोस्तों मैं मोबाइल रिपेयरिंग और फ्लैशिंग दोनों काम करता हूँ, लेकिन सब लोग को अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोगों ने कमेंट करके बोलता है ये फ्लैशिंग का वीडियो डालते रहो। दोस्तों क्योंकि ये मेरा गांव है, छोटा सा गांव है, इसलिए फ्लैशिंग का काम ज़्यादा नहीं आता है। इसलिए मैं रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और फ्लैशिंग दोनों में काम करता हूँ, क्योंकि खाली एक काम करने से पैसे नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैं दोनों काम करता हूँ। तो जो दो डायोड दिखाया था मैंने, ये दो डायोड को रिमूव कर लीजिए। रिमूव करके मैं रिमूव करके देखा रहा हूँ, ये दोनों डायोड को मैं रिमूव किया है, ये देख लीजिए डायोड। और कहाँ से रिमूव किया वो भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ दो दो डायोड था, ये दोनों को मैं रिमूव किया, यहाँ यहाँ पर था, देख लीजिए। मैं फिर के मेरा जूम करके देखा रहा हूँ, यहाँ पर दो डायोड था, ये दोनों मैं रिमूव कर लिया। तो अभी एक बार लगा के देखते हैं हो रहा है क्या नहीं, शॉर्ट का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ कि नहीं, और भी देख लीजिए। मैं लगाया, दोनों वायर लगाया और मेरा जो पावर सप्लाई है वो ओपन कर ले रहा हूँ मैं एक बार, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, दोनों वायर लगा दिया और जो है पावर सप्लायर ने पूरे सही बता रहा है, देख लीजिए। और मैं एक बार पावर पर एक बार क्लिक करके देखा रहा हूँ पावर बटन को, ये देख लीजिए काम कर रहा है, देख लीजिए पूरे सही तरीके से काम कर रहा है, फोन भी ऑन हो रहा है, फिर भी मैं देखा रहा हूँ किस तरह ऑन हो रहा है। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसानी से मैं जिस तरह दिखाया इस तरह करने से बहुत आसानी से इस फोन को रिपेयर कर सकते हो। मैं जो दो इमेज दिया, ये दोनों इमेज फॉलो करके काम करते रहिए, और ये दोनों इमेज स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए, क्योंकि जो जो J2 फोन आ जाएगा, जितने सारे J2 फोन है ये सब का प्रोसेस सेम है, तो ये इमेज देख के दोबारा काम कर सकते हो। मान के चलो अगर आपका पास इस तरह J2 आ जाए तो इस तरह बहुत आसानी से देख के काम कर सकते हो, किसी वीडियो सर्च करने का ज़रूरत नहीं यूट्यूब पर, और ज़्यादा परेशानी होने का भी ज़रूरत नहीं। तो मैं इसको कनेक्टर लगा रहा हूँ, डिस्प्ले लगा दिया, ये मेरा एक नया फोल्डर था इसको मैं लगा रहा हूँ, और बैटरी लगा के एक बार चेक कर ले रहा हूँ हो रहा है क्या नहीं, और मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने बैटरी भी लगा दिया और इसको ऑन करने का कोशिश कर रहा हूँ, ऑन हो रहा है क्या नहीं वो देख लीजिए। ये देख लीजिए ऑन 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 हो चुका है। दोस्तों मेरा कस्टमर आ गया था दुकान पर, इसलिए थोड़ा बात करने लग गया। तो दोस्तों बहुत आसानी से मैं देख लिया, 10 मिनट के अंदर ही मैं वीडियो बना के और काम करके फोन स्विच ऑन करके देखा दिया सब लोगों को। दोस्तों इस तरह काम करने से और इस तरह मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से बहुत आसानी से ये J2 फोन का जो शॉर्ट प्रॉब्लम है, बोर्ड शॉर्ट प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो देख के थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कीजिए, क्योंकि मैं
सब दिन इस तरह वीडियो लेता रहूँगा, फ्लैशिंग और रिपेयरिंग दोनों का वीडियो लेता रहूँगा और आप सब लोग को मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।